नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे YouTube चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव राधे राधे के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि सुबह उठते ही स्त्री की कौन सी चीज छूने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि स्त्रियों के लिए बेहद खतरनाक है ये तीन चीजें। जी हाँ, दो दोस्तों, स्त्रियां इन तीन चीजों से हमेशा बच कर रहें, नहीं तो उनका पूरा घर हो सकता है तबाह और बर्बाद और आ सकती है भयंकर कंगाली। चाणक्य नीति शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए कई सारे सूत्र दिए गए हैं। उन्हीं सूत्रों में चाणक्य ने स्त्रियों के लिए तीन चीजों को सबसे खतरनाक माना है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वह घर स्वर्ग के समान होता है। आइए जानते हैं, चाणक्य के अनुसार इन तीन चीजों से स्त्रियों को हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली चीज है अहंकार। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार से व्यक्ति के घर से सुख समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके घर से लक्ष्मी और माता सरस्वती रूट जाते हैं। इसलिए चाणक्य ने अहंकार को स्त्रियों के लिए बेहद खतरनाक बताया है। दूसरी चीज है अज्ञानता। अज्ञानता स्त्री के लिए अच्छी नहीं होती है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को ज्ञानवान होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि समाज निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। शिक्षित और ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही समाज को नई दिशा प्रदान करती है। वह उन दिनों से घर को स्वर्ग बना दी है जबकि स्त्री की अज्ञानता से सभ्य समाज की कल्पना करना असंभव है। तीसरी चीज है लालच। चाणक्य के अनुसार स्त्री को लालच से दूर रहना चाहिए। यह अवगुण स्त्री के परिवार को नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है तो वह घर की सुख शांति को नष्ट करने लगती है। लालच के कारण परिवार में गृह क्लेश दिखने पड़ता है। कई कई को भी पुत्र मोह का लालच हुआ था, जिसके कारण पूरे अयोध्या में अशांति का वातावरण छा गया था। इसलिए दोस्तों, स्त्रियों को इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं, स्त्री का कौन सा एक अंग पकड़ने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। देवी का दर्जा प्राप्त महिला के सम्मान के बाद हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। पर क्या आपको यह बात मालूम है कि अगर आप स्त्रियों के शरीर के एक खास अंग को छूते हो तो आपको महान पुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताते हैं कि स्त्री के किस अंग को छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उसके साथ कई सारा स्वरूप में रहा करती हैं। एक स्त्री ही किसी व्यक्ति की मां होती है तो किसी की बहन है और किसी की बहू होती है, अलग अलग रूप में। स्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम किया करते हैं। स्त्रियों के बगैर पुरुष का इस धरती पर अस्तित्व भी संभव नहीं है। एक स्त्री ही पुरुष की हर खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है। इसके साथ ही एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारा सहने पड़ते हैं। जीवन में आने वाले हर के डर को आराम से सह लेने वाली स्त्री विपरीत परिस्थितियों को भी हंसी खुशी से झेल लेती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखने वाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने का भी काम करती हैं। इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। एक साथ कई सारे कार्य को करने वाली स्त्रियों के पैर में बहुत बड़ा राज्य छुपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को अपने सारे जन का पुण्य फल मिल जाता है। उसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है।
दोस्तों, सुबह सुबह स्त्रियों के पैर छूने से मिलने वाले आशीर्वाद के वजह से व्यक्ति के जीवन से निराश शंका का अंत होता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहती हैं और सफलता ऐसे लोगों के कदम चूमती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आज की हमारी छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा है कि आज की इस जानकारी से आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।